नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेर और आज वीडियो में मैं आपको वीवो X50 और रियलमी X50 प्रो का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। बहुत से ऐसे यूजर हैं जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई कौन सा फ़ोन लिया जाए, वीवो X50 खरीदें या फिर रियलमी X50 प्रो खरीदें। उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको इनका स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। एक में डुअल पंच होल है और एक में सिंगल पंच होल दिया गया है। दोनों में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। अब यहाँ पे फ़र्क यह है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे, गेम खेल रहे होंगे, डुअल पंच होल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन सिंगल पंच होल डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि डुअल पंच होल का बेनिफिट यह है कि आपको दो कैमरा फ्रंट में मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं। तो आपको बता दूँ कि रियलमी X50 Pro में जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो 6.44 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं बात करेंगे वीवो X50 की, तो इसमें आपको मिलता है 6.56 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट इसमें भी है, 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसमें भी है, सुपर एमोलेड इसमें भी है, दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों डिस्प्ले जो हैं वो काफ़ी तगड़े हैं, दोनों काफ़ी दमदार हैं। बस ग्लास प्रोटेक्शन है इस पे एक्स्ट्रा, पर उसका कुछ खास एडवांटेज नहीं होगा। स्क्रीन गार्ड तो एनी भी आप लगाएंगे ही, लेकिन दोनों में HDR 10 प्लस है, 90Hz है, सुपर एमोलेड है, तो दोनों की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। कर्व्ड ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो दोनों की क्वालिटी आपको अच्छी लगने वाली है। क्वालिटी वाइज दोनों आपको ज़रूर पसंद आएंगे, कोई आगे कोई पीछे नहीं कहा जाएगा। बैक पैनल की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको लुक वाइज Realme X50 Pro Vivo की X50 के सामने थोड़ा कमज़ोर नज़र आएगा, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो एक रेगुलर स्मार्टफोन जैसी है Realme के, लेकिन यहाँ पे Vivo ने इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज ज़रूर किया है और देखने में ये काफ़ी शानदार लगता है। इसमें आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, इसमें आपको शॉर्ट सेंसेशन की ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें इसलिए निकलता है क्योंकि शॉर्ट इसमें ऐसे हो गया, अवॉइड कीजिएगा उसको। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लुक वाइज Vivo X50 ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू X50 Pro, ऐसा मेरा मानना है। आपकी राय अलग हो सकती है और अलग है तो आपको Realme X50 Pro पसंद आएगा। पर अब बात करते हैं टाइप सी है या माइक्रो USB है, तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और स्पीकर ग्रिल दिया गया है और दोनों में ही यहाँ पे 3.5 ऑडियो जैक नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही बराबर हैं क्योंकि दोनों में ही कमी है 3.5 ऑडियो जैक की। तो आगे बढ़ते हुए अब इंटरनल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से बाजी मारेगा Realme X50 Pro, Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट मिलता है, Qualcomm का टॉप नॉच प्रोसेसर। जबकि हम Vivo X50 की बात करेंगे तो यहाँ मिलता है Qualcomm का Snapdragon 730 चिपसेट। साथ ही साथ इसमें आपको बेस वेरिएंट जो मिलता है वो 8GB रैम के साथ 128GB मिलता है। इसमें बेस वेरिएंट मिलता है 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर है Vivo के X50 के पास के मेमोरी रैम जो है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Realme X50 Pro। बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दोनों में 4200mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन Realme आगे है क्योंकि 65W की चार्जिंग स्पीड दी गई है। जबकि हम बात करेंगे Vivo के X50 की तो उसमें 33W की चार्जिंग स्पीड मिलती है। तो बैटरी सेक्शन में आगे Realme X50 Pro कहा जाएगा बिकॉज चार्जिंग स्पीड ज़्यादा है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो यहाँ भी Realme X50 Pro आगे कहा जाएगा क्योंकि इसमें आपको मिलता है 64MP का प्राइमरी सेंसर। जबकि अगर हम बात करेंगे Vivo X50 की तो उसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है और 12MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है Realme X50 Pro में, 13MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है Vivo X50 में, 8MP का दोनों में वाइड एंगल सेंसर है और मैक्रो सेंसर जो है वो Realme X50 Pro में वाइड एंगल से ही होती है मैक्रो फोटोग्राफी। 2MP का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है, लेकिन अगर हम Vivo की बात करेंगे तो इसमें 5MP का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। Realme X50 Pro की बात करें तो इसमें 32+8MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इसमें 32MP का एक सेंसर दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं क्वालिटी थोड़ी बेटर आ रही है इसमें क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है। प्लस यहाँ पे आपको वाइड एंगल सेल्फी लेने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सेल्फी में भी Realme X50 Pro बाजी मारता है। सॉफ्टवेयर की बात करें दोनों में एंड्रॉयड 10 मिलता है, दोनों के UI अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है Vivo X50 वो Realme X50 Pro को एकदम टक्कर दे पा रहा है, नेक टू नेक है। लेकिन प्रोसेसर की बात करेंगे, कैमरा की बात करेंगे
और बैटरी चार्जिंग स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा पीछे रह जाता है वीवो X50। लेकिन अभी ये डिटेल कैमरा कंपैरिजन नहीं है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं कैमरा कंपैरिजन करूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा कि कौन सा आ गया, तब आप ज़रूर यकीन मानेंगे कौन सा आ गया। वैसे प्रोसेसर अच्छा है रियलमी X50 Pro का, तो ज़्यादा अच्छी इमेज आपको मिलेगी X50 Pro में, और 64 मेगापिक्सल सेंसर भी साथ में दिया गया है, तो यहाँ पे कैमरा में रियलमी X50 Pro ही आगे कहा जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि आप किस फ़ोन की ओर जाना चाहेंगे, रियलमी X50 Pro या वीवो के X50 की ओर? आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।